हेलो एंड वेलकम टू आवर शो क्रिकेट का शो, एक ऐसा शो जहां पर हम जोश के क्रिकेट के जोश की बात करते हैं, ऑफ द फील्ड और ऑन द फील्ड दोनों की ही बात करते हैं। और आज जिस चीज की हम बात करने वाले हैं वो है इंडिया इंग्लैंड के ओडीआई सीरीज का दूसरा मैच, एक ऐसा मैच जहां पर इंडिया इज लुकिंग फॉरवर्ड टू सील दिस सीरीज, क्योंकि जो पहला मैच था वो इंडिया ने ऑलरेडी 66 रन से जीत लिया था। और मैं कहूंगी कई हद तक इसका श्रेय हमारी डेब्यूटेंट्स को जाता है क्योंकि उन्होंने बहुत बेहतर परफॉर्म किया था। हमारे साथ है हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट खुर्रम हबीब जी। तो खुर्रम हबीब जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, पहला क्वेश्चन, क्या इंडिया ये सीरीज को जीत कर हैट्रिक बनाएगी, क्योंकि पहले टेस्ट सीरीज जीती, फिर T20I सीरीज जीती, आज अगर जीत गए तो हैट्रिक बनेगी सीरीज की? जी हाँ, ये फुल टूर अगर आप देखें, फुल सीरीज देखें करिश्मा, तो इंडिया के पास बहुत अच्छा चांस है कि ये हैट्रिक ऑफ सीरीज विंस कर दें। टेस्ट सीरीज ये 3-1 से जीते, फिर T20 सीरीज में ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड सीरीज ले जाएगी क्योंकि उनकी बहुत स्ट्रांग टीम है और उन्होंने 2-1 की लीड ले ली, लेकिन इंडिया ने लास्ट के 2 T20 इंटरनेशनल्स जीते और जीत के वो सीरीज जीती और ये पहला ODI जीत लिया। तो आज जो मैच होने वाला है सेकेंड वनडे इंटरनेशनल, अगर वो इंडिया जीत जाती है तो देन इट विल बी अ हैट्रिक ऑफ सीरीज एंड इट विल बी अ वेरी गुड मोराल बूस्टर फॉर इंडिया इन ODIs। अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया में इंडिया गई थी, वनडे सीरीज हारी, बाकी उन्होंने दोनों सीरीज जीती, T20 और टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन वनडे सीरीज वो लोग 2-1 से हार गए थे। उससे पहले न्यूजीलैंड में वनडे सीरीज हारी, 3-0 से हार गया है। सो दिस विल बी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम दैट इंडिया विल बी विनिंग एन वनडे इंटरनेशनल सीरीज। और एक चेंज हुआ है इंडियन स्क्वाड में, श्रेयस अय्यर इंजर्ड हो गए हैं, तो क्या आपको लगता है कि उनके इंजर्ड होने से कोई फर्क पड़ने वाला है हमारी इंडियन टीम में? देखिए, श्रेयस अय्यर बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन अगर आप पिछला मैच देखें तो उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा थी नहीं, इसके बावजूद इंडिया मैच जीत गई। सो दैट मीन्स दैट इंडिया हैज़ इनफ बैटिंग स्ट्रेंथ टू सर्वाइव विदाउट अ प्लेयर। और इंडिया के पास बेंच स्ट्रेंथ भी बहुत स्ट्रांग है, अगर आप देखें सूर्या कुमार यादव हैं जो उनको रिप्लेस कर सकते हैं। सूर्या कुमार यादव ने T20 में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, तो मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा ज़्यादा फर्क पड़ेगा। लेकिन मुझे एक चीज़ की बहुत अजीब सी लगती है कि BCCI का जो ये इन्फॉर्मेशन सिस्टम है व्हेन इट कम्स टू इंजरीज, 2-3 दिन हो गया मैच को हुए हुए, पिछले मैच को, और आज शाम को हमको पता लगा है कि श्रेयस अय्यर हैज़ बीन रूल्ड आउट ऑफ द लास्ट 2 ODIs। Although it doesn't make much of a difference because for a lot of cricket fans, for a lot of the people interested in it, this information should have come a little bit earlier, especially when media had this information. This has happened before also. Australia ke toor pe agar aap dekhen ke Mohammad Shami ki ka first test mein December 19 ko shayad jo first test ka third day tha last jab match khatam ho gaya tha, unke haath mein fracture aa gaya tha, lekin kisi ko pata bhi nahi chala. Media did their own story, their own digging, and they found out that he's been injured, he's been ruled out of the series, but nothing came from the BCCI. Same thing happened with Umesh Yadav, who got injured in the second test at Melbourne. So there was no information forthcoming. Only after the replacements were announced, we got to know that these guys are injured. So that is one thing that where I think the BCCI lacks a little bit of clarity, and I think that they should do well. The other cricket boards around the world, they've been, immediately match ke foran baad ya ek aad din ke baad information aa jaati hai. T20 franchises, jo IPL ki teams hain, wo within a day or so, they give you information. Delhi Capitals ke Ishan Sharma injured hue, immediately after a few hours or a day, I think they got came up with a release. So these things will make a little bit smoother instead of people ending up speculating about. मुझे तो इसे एक समझ आ रहा है कि BCCI सस्पेंस पे रखना चाहती है क्रिकेट फैंस को, क्योंकि उन्हें पता है कि फैंस पीछे पड़े रहते हैं कि भाई कौन है टीम में और कौन नहीं है। तो जैसे कि श्रेयस अय्यर नहीं है तो इनको रिप्लेस करने के लिए क्या सूर्य कुमार आ सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आ सकते हैं। इन फॉर्म बैट्समैन है सूर्य कुमार यादव है। अभी पिछला अगर आपने T20 सीरीज देखी हो तो उन्होंने अपने दूसरे ही मैच में, पहले मैच में, अपने डेब्यू मैच में तो बैटिंग नहीं कर पाए थे, बट उन्होंने दूसरे ही मैच में उन्होंने हाफ सेंचुरी मारी थी और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस खेली थी और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी। और लास्ट T20 इंटरनेशनल में भी उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। इनफैक्ट आई थिंक ही वॉज अ लिटिल बिट अनलकी टू हैव बीन गिवन आउट। विराट कोहली ने भी थोड़े डिसीजन के ऊपर क्वेश्चंस रेज किए थे, बट ही इज बीन बैटिंग वेल एंड ही इज बीन अराउंड फॉर 10-11 साल से डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा है। IPL में उन्होंने अपने आप को मुंबई इंडियंस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मुंबई इंडियंस मिडिल ऑर्डर से अपने आप को सीमेंट कर लिया है। सो इट विल बी ग्रेट, इट विल बी नाइस टू सी हाउ ही परफॉर्म्स इन द वनडे फॉर्मेट।
सो लास्ट टाइम ही वॉजंट लकी, आई थिंक उन्हें एक चांस इसीलिए मिला है कि एक बार फिर से परफॉर्म करें और अपने जो फैंस हैं उनको निराश ना करें। नहीं, अभी देखना है, अभी आप जो खिलाते हैं नहीं खिलाते हैं दैट इज अप टू द टीम। वो तो आज के मैच में शायद पता चलेगा, अभी तो कंफर्म भी नहीं है शायद कि कौन खेलने वाला है। अभी जी ठीक है। खुर्रम साहब, मुझे एक बात और जानी थी, जो इंडिया के पेस बॉलर्स हैं वो काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनके बारे में आपका क्या कहना है इंग्लैंड से अगर हम कंपेयर करें तो? देखिए, इंडिया के पेस बॉलर्स की आप ये कह दें दिमाग की बत्ती जली हुई है क्योंकि वो चेंज ऑफ पेस कर रहे हैं, दे यूजिंग देयर ब्रेन लॉट जहाँ कोशिश होती है। अब जैसे देखिए विकेट्स वगैरह, आप वनडे विकेट्स देखें तो स्विंग ज़्यादा होती नहीं है, लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में मूवमेंट ज़्यादा होती नहीं है, स्पेशली इंडिया में दीज आर ऑल फ्लैट प्लैसिड विकेट्स। सो आपके पास जो वेरिएशंस होता है वही आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है बैट्समैन को रिसीव करने की। मे बी नई बॉल जब थोड़ी पुरानी होने लगती है तो इट डजंट इवन स्विंग, आई मीन जो थोड़ी बहुत न्यू बॉल स्विंग करती थी वो जैसे जैसे पुरानी होती रहती है वो तो बिल्कुल ही स्विंग करती, तो आप थोड़ा पेस ब्रिंग इन चेंज ऑफ पेस, थोड़ा धीमा बॉल डालते हैं ताकि बैट्समैन को डिसीव कर सके, और वो इंडियन बॉलर्स बहुत अच्छी तरह कर पा रहे हैं। अगर आपने देखा होगा T20 इंटरनेशनल सीरीज में, T20 सीरीज में जो इंडिया ने जीती, शार्दुल ठाकुर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, चेंज ऑफ पेस के साथ विकेट्स निकाले एंड ही वॉज द एक्चुअली द पार्टनरशिप ब्रेकर, ही हैज इमर्ज्ड एज अ पार्टनरशिप ब्रेकर। और ऐसे ही भुवनेश्वर कुमार ने चेंज ऑफ पेस और वेरिएशंस के साथ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। इनफैक्ट उनके जो कई कुलीग्स हैं यूपी उत्तर प्रदेश रणजी टीम के जो कुलीग्स हैं यहाँ नोएडा में प्रैक्टिस करते हैं, वो ये बता रहे थे कि इन्होंने जब स्क्वाड में आने से पहले इन्होंने इनफैक्ट विजय हजारे जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट वनडे टूर्नामेंट था उससे खेलने से पहले और T20 टूर्नामेंट खेलने से पहले उन्होंने जो प्रैक्टिस की थी वो वेरिएशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया था, बहुत ज़्यादा दिया था, और ये चीज़ इंडियन बॉलर्स के पास एडवांटेज है जो इंग्लैंड बॉलर्स नहीं कर पा रहे किसी वजह से। मे बी दे लैक कॉन्फिडेंस कि वो ज़रा सा भी, और क्योंकि एक दो बार हमने देखा है कि इंग्लैंड के बॉलर्स ने अगर थोड़ा पेस वेरी करने की कोशिश की है तो इंडियन बैट्समैन हैव बीन अप टू द टास्क, दे हैव एक्चुअली दे हैव मैनेज्ड टू गेज द पेस एंड दे हैव गॉन फॉर रन्स, इंग्लैंड बॉलर्स हैव गॉन फॉर रन्स, सो इंडियन बॉलर्स हैव बीन doing this much better than England bowlers. तो चलिए, भारतीय बल्लेबाजों का बल्ला भी बोल रहा है, हमारे गेंदबाजों की गेंद भी इस समय पिच पर कमाल दिखा रही है, और होप करेंगे कि आज के मैच में भी इंडिया जीते और सीरीज की हैट्रिक बनाए। तो आप देखिए आज के मैच में क्या होता है, आपको इस मैच के बाद फिर से पोस्ट मैच शो लेकर आएंगे और आपको बताएंगे कि उस मैचेस में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तब तक के लिए गुड बाय बाय बाय।